नमस्कार, मैं काजल निषाद, नेत्री, अभिनेत्री, कवित्री, चित्रकार और हाउसवाइफ। मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ बता दूं कि 2003 से मैंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की और DD1 से लेकर सब टीवी, कलर्स, स्टार प्लस के माध्यम से लोगों के दिल में जगह बनाई। मेरा लास्ट शो था इश्क का रंग सफ़ेद ऑन कलर्स। 2007 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया। फिर ऐसे ही छोटे मोटे प्रोग्राम, प्रचार प्रसार, वो सब चलते रहे। 2012 में कांग्रेस पार्टी ने मुझे गोरखपुर ग्रामीण से विधानसभा का टिकट दिया। मैंने बहुत ही दमदारी से चुनाव लड़ा। मैं नई थी, ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी। उसके बाद भी गोरखपुर के 9 विधानसभा मिलाकर और आसपास के कुछ विधानसभा मिलाकर टोटल 15 विधानसभा में मैंने इतनी दमदारी से चुनाव लड़ा कि 15 विधानसभा में मेरे वोट सबसे ज़्यादा थे। जहां कांग्रेस के कुछ प्रत्याशियों को 2000 और 6000 वोट मिले, वहां मैंने 18000 वोट हासिल किए। कांग्रेस पार्टी की टिकट पर लोकसभा के टिकट पर लोग 18000 और 20000 वोट पाते हैं, वहां मैंने विधानसभा में 18000 वोट पाए। बहुत बड़ी बात थी। बसपा प्रत्याशी ने भी मुझ पर हमला करवाया, काफी चीजें हुई। उसके बाद पार्टी ने मुझे स्टार प्रचारक बनाया। फिर लखनऊ, महाराजगंज, बुंदेलखंड, गोंडा, बस्ती, हर जगह मुझे प्रचार के लिए भेजा। क्योंकि पार्टी को ये तो पता ही है कि निषादों की संख्या ज्यादा ही है, 70% निषादों की संख्या है। तो उसके बाद 2014 में पार्टी ने मुझे आश्वासन दिया कि संत कबीर नगर से आपको लड़ाया जाएगा, आप तैयारी कीजिए। मैंने कहा ठीक है। 2014 में मैंने तैयारी की संत कबीर नगर से। उसके बाद अचानक न्यूज़ में हेडलाइन आई थी कि काजल निषाद को टिकट मिली है। उसके बाद मेरी टिकट पार्टी ने काट दी। मैंने काफ़ी लोगों से सवाल किया, कोई जवाब नहीं मिला। मुझे पता नहीं चला मेरी टिकट क्यों काट दी। मुझे लगा कोई बात नहीं, पार्टी का जो भी आदेश होगा। सर आंखों पर, उन्होंने कहा दोबारा आपको मौका दिया जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं चुप रही, मैं कुछ बोली नहीं। उसके बीच में भी फिर कांग्रेस पार्टी के कुछ धरना चलते रहे, कुछ रैलियां चलती रही, उसमें मैं हिस्सा लेती रही। सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं कांग्रेस का प्रचार करती रही, टीवी के माध्यम से भी मैं कांग्रेस का प्रचार करती रही। मेरे निषाद समाज का सम्मेलन या कार्यक्रम में मैं हिस्सा लेती रही, निषाद समाज को भी मैं कांग्रेस के प्रति जागरूक करती रही। ये सब चलता रहा। फिर 2017 में गुलाम नबी जी का मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि राहुल जी और सोनिया जी ने कहा है कि आप चौरी चौरा से तैयारी कीजिए, आपको टिकट दिया जा रहा है। मैंने कहा ठीक है। मैंने चौरी चौरा में अपनी सारी तैयारी की, पोस्टर्स लगाए, रैलियां की, थोड़ी बहुत दौरा किया, नुक्कड़ सभाएं की। और तब मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे 5वां महीना चल रहा था। फिर भी मेरे सारे कार्यकर्ताओं और मैंने थोड़ा बहुत दौरा किया, अच्छे से तैयारी की चौरी चौरा में। और किसान मांग पत्र भी काफ़ी मेरी ओर से भरे गए, यहाँ तक कि पीके टीम में से एक जन ने मुझे ये भी कहा था कि मैडम सबसे ज़्यादा किसान मांग पत्र का अगर आपने जो भरा है तो वो आपकी तरफ से आया है। सारी तैयारियाँ हो गई। उसके बाद गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी से और मेरा टिकट काट दिया। किसी भी बड़े नेता ने मेरा फोन नहीं उठाया और मेरे मैसेज का जवाब तक नहीं दिया। ये भी नहीं कहा कि कोई बात नहीं, इस बार आपकी टिकट काट दी गई है तो अगली बार आपको मौका दिया जाएगा, या कोई बात नहीं, कुछ नहीं, ना फोन उठाना ना मैसेज का कोई जवाब देना। इससे होता क्या है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो या नेता हो, मनोबल टूटता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। फिर अभी 2019 में पार्टी की तरफ से फिर आश्वासन आया कि आप तैयारी कीजिए, संत कबीर नगर आपको लड़ाया जा सकता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने तैयारी की, मैं लखनऊ प्रियंका जी से मिलने तक गई। बहुत अच्छी मीटिंग रही मेरी, लगा भी था कि मुझसे बहुत प्रभावित हुई हैं, मुझसे काफ़ी बातें की उन्होंने, काफ़ी मसले पर भी बात हुई मेरी। और उसके बाद मैंने कहा ठीक है,
मैं अपनी तैयारी कर रही थी और तुरंत मुझे पता चलता है कि मेरी टिकट काट दी गई और संत कबीर नगर से जो जिला अध्यक्ष है परवेज खान, उनको टिकट दी गई। और अंदरूनी ये भी खबर मुझे आई कि अजय कुमार लल्लू जो है उनको सौंपा गया था टिकट बांटने का काम, उन्होंने अंदरूनी पैसे लेकर मेरी टिकट काट दी और उनको टिकट दिला दी। और ये भी पता चल रहा है अंदरूनी मुझे कि गोरखपुर के संगठन में पैसे लेकर पद दिया जाता है और कांग्रेस में जो ऑलरेडी है उनकी वैल्यू ना करते हुए बाहर से आरएसएस वाली चेतना पांडे है उनको ज्वाइनिंग करवा के उनको टिकट देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आप देखिए, स्क्रीन पर आप दिखाइए कि प्रियंका जी का बयान आया है, पिछड़ी जातियों का प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट बैंक है और पिछड़ी जातियों में निषाद, मल्ला, केवट, बिंद, इनकी संख्या 17% है और 152 विधानसभा सीटों पर इनकी संख्या भारी मात्रा में है। गोरखपुर, महाराजगंज, अंबेडकर नगर, केसरगंज, फैजाबाद, मिर्जापुर, भदोही, खलीलाबाद, कानपुर, कौशंबी, फतेहपुर, इलाहाबाद, बहराइच सीटों पर निषादों की संख्या भारी मात्रा में है। तो जब प्रियंका गांधी जी ये जानती है उसके बाद भी निषादों को टिकट नहीं देना है। निषाद भाई बहन सिर्फ वोट बैंक के लिए ही बने हुए हैं, सिर्फ वोट देने के लिए ही बने हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से, राहुल गांधी जी जो केरला में जाकर मछुआरा सम्मेलन करवाते हैं, 29 राज्यों के मछुआ भाई, निषाद, मल्ला, केवट समाज के लोग भारी मात्रा में उनका कार्यक्रम सफल बनाने आते हैं और राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि निषाद भाई इतने ज्यादा है आपका कार्यक्रम सफल बना सकते हैं, किसी की सरकार बना सकते हैं, किसी की सरकार गिरा सकते हैं। इतनी भारी मात्रा में निषाद भाइयों की उपजातियों में जो निषाद भाई बटे हुए हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में जहाँ नदी का किनारा वहाँ निषाद, जहाँ नदी का किनारा वहाँ मल्ला समाज, तो हम सिर्फ वोट देने के लिए ही बने हैं माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी? हमें हम निषाद भाई बहनों को कभी राज्यसभा में या पार्लियामेंट में या विधानसभा में जगह नहीं मिलेगी? ऑलरेडी आपके पास एक निषाद समाज की जुझारू कार्यकर्ता कहिए, नेता कहिए, ऑलरेडी आपके पास है, जो एक्टर भी है, जो टीवी के माध्यम से डोर टू डोर पहुंची हुई है, जो लड़ चुकी है चुनाव, जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट हासिल किया था, उनको टिकट नहीं देना है। जो जीत सकती है उनको टिकट नहीं देना है, टिकट ऐसे को देना है जो 10,000 12,000 में सिमट के रह जाएंगे और पैसे लेकर अपना घर भरेंगे। और आप अगर निषादों को टिकट देंगे भी तो ऐसे किसी निषाद को टिकट देंगे जो 10-12 हजार में सिमट के रह जाएंगे, तो आप ये कहेंगे कि हमने अपना कोटा पूरा कर दिया, हम निषादों को देखते हैं। निषादों की वैल्यू, अहमियत किसी पार्टी ने कभी नहीं की। जब निषाद का बेटा गोरखपुर से सांसद बना तब निषादों की अहमियत सभी पार्टी को समझ में आई। भाजपा समझ गई, सपा समझ गई, लेकिन कांग्रेस कब समझेगी? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कांग्रेस के बड़े नेताओं को, जो हम निषादों को इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, हमारे फोन तक नहीं उठाते, हमारे मैसेज का जवाब तक नहीं देते। जब वो हमारे ही मैसेज का जवाब नहीं देते तो और जनता का जवाब कैसे देंगे? कब निषादों की कीमत आपको समझ में आएगी? मैं ये कहती हूं कि आपको खुद पता है कि गोरखपुर हो, चाहे महाराजगंज हो, भदोही हो, यहां सब जगह निषादों की संख्या ज्यादा है, तो यहां से तो किसी निषाद को उतारा जाए जो जीत सकता है। देखिए, इस तरह अगर ये हरकतें रही कांग्रेस पार्टी में तो इस तरह कांग्रेस पार्टी भी टूटेगी और हम जैसे नेताओं का मनोबल भी टूटेगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हमारी ये विनंती स्वीकार की जाए और किसी निषाद को उतारा जाए।